नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का कल के लिए। कल जहां डेट होने वाली है 16th of September, वो दिन रहेगा फ्राइडे का। फ्राइडे बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है, काफी कुछ चीजें इसमें जो है वो पक्की हो जाती हैं, श्योर हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से इंडिकेशन मिलती है कि भैया मंडे से लेके वेडनेसडे को कुछ हुआ हो, फिर थर्सडे को कुछ और हो गया हो, या मंडे ट्यूसडे कुछ हुआ हो, वेडनेसडे थर्सडे कुछ हुआ हो। तो जो फ्राइडे का मूव होता है वो काफी कुछ तय कर देता है कि भैया ये पूरे वीक में बाइंग हुई है या सेलिंग हुई है। मतलब मार्केट के ट्रेंड को डिफाइन करने वाला मूव होता है फ्राइडे का मूव, और नेक्स्ट वीक की टोन सेट करता है जो नेक्स्ट वीक के आपका मंडे टू एक्सपायरी जो आपकी नेक्स्ट उसमें होती है नेक्स्ट वीक की। तो कल है एक इम्पोर्टेंट डे। चलिए दोस्तों, आइए सबसे पहले तो रिव्यू करते हैं कल का हमारा क्या व्यू था। कल का सिंपल एक व्यू था कि गैप डाउन होगा तो वी विल रिव्यू, हमें क्या करना है मैं मॉर्निंग चाय पे चर्चा पे बताऊंगा। बट अगर किसी प्रकार से हल्का फुल्का गैप अप मिलता है तो थर्सडे का दिन है भैया और एक्सपायरी का डे है, हमको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ये किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि जब मैं बोल रहा था, अब तक तो मार्केट डेली ऊपर डेली ऊपर डेली ऊपर, ये देख लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, और ये भी खुला नीचे पर गया तो ऊपर ही 6। इन 6 के 6 दिन के ट्रेंड को आज मैंने जस्ट अपने एक्सपीरियंस से इसके उलट बोला था कि आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सके। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, निचोड़ है मार्केट का उसके हिसाब से, और आज मार्केट देखिए आपने उसी प्रकार से बिहेव भी किया। इसके लिए बस 2-3 चीजों का सपोर्ट था कि डाउ हल्का सा पॉजिटिव रहे और मार्केट हल्का सा गैप अप खुले, तो डेफिनेटली ये पूरे पूरे चांसेस थे बीइंग एक्सपायरी की, आज मार्केट में बड़े प्लेयर प्रॉफिट बुक करें। तो वही हुआ दोस्तों, वही देखने को मिला। बैंक निफ्टी पे भी सेम आपको कल बोला था कि कल का अगर टॉप काटता है वहां से आपको 200 से 250 पॉइंट की ही तेजी मिल सकती है, अदरवाइज तेजी मत करिए, वहां पे शॉर्ट करने की चेष्टा करिएगा। तो बैंक निफ्टी भी टॉप से ही पपाप करके नीचे की तरफ गया, हालांकि वो रुक गया 41,200 के ऊपर। मुझे उम्मीद थी कि ये लेवल भी टूट सकता है आज, क्योंकि टाइम बहुत बाकी था, पूरे थर्सडे का पूरा 3 से 4 घंटे की ट्रेडिंग बाकी थी जब यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 10:30, 11:15 के लोग। तो आइए कल का व्यू, मैं वैसे टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ कि कल का व्यू नेगेटिव है, बट टेक्निकल्स के ऊपर थोड़े से चार्ट पैटर्न के ऊपर हम देखेंगे कि कल को हमें करना क्या चाहिए और कहाँ पे हमें कल होशियार हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। तो उससे पहले दोस्तों एक बार डिस्क्लेमर ये है, इसको बिना पड़े आप मेरी वीडियो देखते हैं तो इट्स ए क्राइम, आप खुद एक क्राइम कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं अगर आप इसे बिना पढ़े मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इसको जरूर पढ़ लीजिए कीजिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका कल का दिन, ठीक है। आज मार्केट ओपन हुआ एक बार को ऊपर की तरफ गया, फिर से इसने इसको टेस्ट किया 18,100 की तरफ, और वहां से इसने ये झमाझम, हालांकि ये लास्ट के 2-3 घंटे पूरे प्रीमियम मीटिंग ही चलती है लास्ट के 2 घंटे, और फिर एक ही कैंडल बनी 940 से लेके नीचे की तरफ, और इसने इसको यहाँ पे लाके क्लोज किया, जिसने मेरा व्यू कल के लिए भी नेगेटिव सेट किया। अब आ जाइए, हमें ऊपर होशियार कब हो जाना, मतलब हम कल सेल करना चाह रहे हैं मार्केट को, तो ये सेलिंग का व्यू हमें हटा कब देना है, 17,940 पास, इसके ऊपर मार्केट अगर टिक जाता है 15 से 20 मिनट सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हिट। दूसरा, अब 15 से 20 मिनट में क्या 100-150 पॉइंट की तेजी हो जाएगी, वेट करना है, नहीं, स्क्रीन पे 17,970 भी आ जाता है तो भी हमारा सेकंड उसमें हो जाएगा एसएल हिट, या तो 15 से 20 मिनट टिक जाए इस लेवल के ऊपर तो भी एसएल हिट, या फिर 17,970 स्क्रीन पे आ जाए तो भी एसएल हिट। इट इज द पॉइंट नंबर 1 आज की वीडियो का, जो आपको कॉपी पेन लेके लिख लेना है, हाथ से लिखते हैं तो कहते हैं बड़े बुजुर्ग जो है वो दिमाग तक नसें जाती है तो फीडिंग अच्छी हो जाती है, आपको याद रहता है।
दूसरा आप क्या करना है, दूसरा निफ्टी में कल के लिए हमें देखना है 17,860 बिलो, जो फ्रेश सेल करना चाहते हैं इसके बिलो सेल करिए। दूसरा देखिए, यूनिवर्सल अगर आप चीज फॉलो करेंगे तो भैया आप कहीं से भी सेल का बटन दबाइए, 30 पॉइंट का एसएल रखिए, इट इज द यूनिवर्सल। जब भी आप डेली फ्रेश ट्रेड लेते हैं, कोई कहीं से किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि एसएल क्या है, आपने जहां से बटन दबाया 30 पॉइंट का आप रखिए एसएल, सिंपल सी बात, ठीक है, कोई किसी को देखने की जरूरत नहीं तो फिर जो मैंने लेवल बताया है असल में तो एसएल वही है, बट ये चीज फॉलो करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। दोबारा से नीचे की तरफ वो लेवल काटता है, दोबारा से पुट लीजिए, 30 पॉइंट का एसएल रखिए, या दोबारा से अपर साइड का लेवल काटता है तो दोबारा से लीजिए, 30 पॉइंट का एसएल रखिए, कोई दिक्कत नहीं। एक से दो बार एसएल भी हिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए। अब आ जाती है 860 के बिलो आपको करना है सेल, टारगेट 17,825, 17,780 और 17,700। बस 17,700 अगर टूटा ना दोस्तों, ब्रेक हुआ, तो भैया मार्केट में शायद आपको फ्री फॉल भी देखने को मिले। बहुत जबरदस्त पुट रेटिंग है इस लेवल पे, बहुत जबरदस्त। इसके टूटने का मतलब होगा एक बार को बियर्स ने मार्केट में ग्रिप बनानी चालू कर दी। मैं सिर्फ ग्रिप की बात कर रहा हूँ, अच्छी तरह मार्केट में हावी तो बियर्स जब होंगे, जब 17,400 के नीचे हमें दो क्लोजिंग देखने को मिली तो फिलहाल तो वो सपने की तरह, तो वो सपना नहीं देखना है हमें, फिलहाल देखना है 17,700। भैया 17,730-40 प्रॉफिट बुक कर लेना है इस तरफ, 17,740 के आसपास आपको निफ्टी आ जाता है, आपने सेल किया हुआ है, प्रॉफिट बुक कर लेना है, डॉट 17,700 का वेट ना करिए, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा कल का व्यू, कल हमें कैसे प्ले करना है वो सब चीजें। अब आ जाती है बात की मार्केट इसके अगेंस्ट चल पड़ता है, तो भैया जब ये लेवल कटेगा ना 17,980, 17,940 का एसएल लगाइएगा और बाय करने के लिए तैयार रहिएगा मार्केट। बस यहां से ऊपर की तरफ आप चलेंगे तो 18,080 प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, इससे ज्यादा की चेष्टा मत कीजिएगा। फ्रेश बाय फिर 18,100 के ऊपर ही है, वो मैं आपको सचेत कर दूंगा, बट मुझे इसके चांस 20-30%, इनफैक्ट 20-25% ही लगते हैं। बाकी मुझे लगता है कि कल मार्केट में हमें 17,740-780 का लेवल देखने को मिलना चाहिए। तो ये हो गया निफ्टी, अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी देखे दोस्तों, ये जबरदस्त तरीके से इसी के अंदर रैली करते 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 अब 41,200 क्यों नहीं टूटा, ये यहाँ पे भैया ये चैनल की जो हाफ लाइन देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों एक अगर पीक में खराटे की आवाज आ रही हो तो ये मेरा डॉगी सो रहा है मेरे बराबर में उसकी है, ठीक है। ये देखिए टॉट, टाइम बहुत था और मुझे उम्मीद थी कि ये टूटना चाहिए, 41,200 टूटना चाहिए, ठीक है, बट चलिए कोई नहीं, कोई भी क्लोजिंग इस लेवल के नीचे मिलती है तो बहुत चांसेस है कि हम यहां पे आएंगे, ठीक है। और ये लेवल निकल के आता है 40,800, सिंपल सी बात है 41,150 सेल करिएगा बिलो इसके, टारगेट 40,000, दूसरा 41,000, दूसरा 40,800, ठीक है, 40,800 टूटा, 40,650 प्रॉफिट बुक। नीचे की तरफ यही प्ले करना है, बैंक निफ्टी में बाय नहीं करना है, बैंक निफ्टी की कैंडल अच्छी नहीं है, बैंक निफ्टी में बाय इस लेवल के ऊपर ही है 41,500, जो कि मुझे नहीं लगता कि कल क्रॉस हो। तो ये हो गया दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी आपके लिए, बाकी कुछ रहेगा डेटा की रीडिंग कैसी आती है वो भी हम करेंगे शाम को, एंड कुछ और रात को कुछ स्पेशल होता है, चारों तरफ कुछ और होता है तो मैं वीडियो बना के डालूंगा, बाकी देखते हैं। फिलहाल व्यू यही है, लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, मार्केट कल मुझे लगता है गिरना चाहिए और
बैंक निफ्टी में हम 40,800 और 40,650 ये दो टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्योर टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न पे ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को हम करते हैं कि भैया कल हमें क्या देखने को मिल सकता है। व्यू भी मैंने आपके साथ शेयर किया है अपना, और लेवल्स भी शेयर किए हैं कि भाई किसके बाद हमारा ये व्यू कैंसिल है और हम बाय करने का भी सोचेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।